नमस्कार दोस्तों, ट्रेडिंग चाणक्य के यूट्यूब चैनल में मैं अनमोल मित्तल आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों हमारी शेयर बाजार की 6 अगस्त 2018 की इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट से, और लास्ट में हम देखेंगे निफ्टी का टेक्निकल व्यू इंट्राडे के लिए जो हम हर बार हर वीडियो में देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कि पहली इंपॉर्टेंट न्यूज क्या आ रही है हमारे सामने। तो पहली दोस्तों अपडेट आ रहा है, वो आ रहा है हिंदुस्तान यूनिलीवर से। भैया हिंदुस्तान यूनिलीवर ने विजयकांत डेयरी और इसकी साथी कंपनी के साथ मिलकर आदित्य मिल्क आइसक्रीम ब्रांड को खरीदने के लिए भैया इन्होंने डील करी है। और साथ ही हिंदुस्तान यूनिलीवर इसके द्वारा बनाएगी मिठाइयां और आइसक्रीम, इस पे भाई पूरा जो है अधिग्रहण कर लेगा। और इस खबर से हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो शेयर है वो तकरीबन 1.90% की गिरावट के साथ बंद हुआ। ये तो दोस्तों चलता रहता है, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए। और देखते भी आगे आने वाले दिनों में हिंदुस्तान यूनिलीवर और क्या क्या कर सकता है। अगला दोस्तों अपडेट आ रहा है, वो आ रहा है भारतीय एयरटेल की तरफ से। भैया भारतीय एयरटेल सबसे बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री थी, अब थोड़ा भैया चेंज हो गया, अब तो वोडाफोन आइडिया हो गई है। और अगर इसमें देखें तो इन्होंने इजिप्ट, जो हमारी कंट्री है इजिप्ट, इजिप्ट का नाम सुना होगा जिसको मिस्र भी कहा जाता था, तो ये जो है इनके साथ इन्होंने डील करी है। साथ में ही भारतीय एयरटेल कंपनी मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका सबमरीन केबल और टी उत्तर केबल पर उपयोग करने का अधिकार मिल जाएगा इस कारण से। और इस खबर से भारतीय एयरटेल के शेयर में थोड़ी सी मजबूती देखने को मिली है और 2.70% की बढ़ोतरी के साथ ये शेयर आज बंद हुआ, तो एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है भारतीय एयरटेल के लिए। अगला दोस्तों अपडेट आ रहा है, वो आ रहा है जीई शिपिंग की तरफ से। भैया ये जो है एक नया शिप खरीदने जा रहे हैं अपनी शिपिंग के लिए, और इससे कंपनी को 81,605 क्यूबिक मीटर की क्षमता इस्तेमाल की जा सकेगी। और इससे बेरी लॉर्ड्स गैस करियर खरीदने का समझौता भी किया है। प्लस शेयर के अंदर भैया गिरावट थोड़ी ज़्यादा हो गई है, खबर तो बहुत अच्छी थी, 5% की गिरावट के साथ बंद हुआ, तो वो कोई दूसरा कारण हो सकता है गिरावट का। बाकी ये जो न्यूज़ है ये तो एक पॉजिटिव ही साइन दे रही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ग्लेनमार्क फार्मा से, और इन्होंने भैया हार्बर बायोमेड के साथ करार किया है, डील करी है। हार्बर बायोमेड के साथ जो समझौता क्या है दोस्तों, इसके साथ ग्रेटर चीन क्षेत्र में कैंसर के इलाज के लिए ग्लेनमार्क की इम्यूनो आनकोलाजी दवा का भाई बनाना, उसका सेल करना और ये सारा काम करना जो है इसका अधिकार इनको मिल जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है ग्लेनमार्क के लिए, अगर ये जो दवाई है इसका उत्पादन भी वो वहीं करेगी और बिक्री भी वो वहीं करेगी, और एक कैंसर के इलाज के लिए दवाई यूज की जाती है। और इस खबर जो शेयर है वो तकरीबन 0.6 की बढ़त के साथ बंद हुआ। अब दोस्तों अगला जो न्यूज आ रही है, अपडेट आ रही है, वो आ रही अरविंद की तरफ से। भैया इनको 13% का मुनाफा हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, और कंपनी को 56 करोड़ रुपए के मुकाबले 64 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। और शेयर जो है थोड़ी सी गिरावट के साथ 0.83 की गिरावट के साथ बंद हुआ। अगला दोस्तों अपडेट आया है ब्रिटानिया इंडस्ट्री की तरफ से। भैया ये खाद उत्पादन कंपनी है, कंपनी को 19% की वृद्धि हुई है पिछले क्वार्टर के मुकाबले, 216 करोड़ रुपए के मुकाबले 260 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा कमाया। शेयर हल्की गिरावट 0.76 की गिरावट के साथ बंद हुआ। अगला अपडेट है दोस्तों ग्रेफाइट इंडिया की तरफ से। भैया इसमें बहुत जोरदार बढ़त हो गई, भैया तो कमाल ही कर दिया इन्होंने। ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड उत्पादक ग्रेफाइट इंडिया का मुनाफा 3000% बढ़ गया, 3000%। कंपनी की जो शुद्ध आमदनी है वो 400% बढ़ी है। कंपनी का मुनाफा 30 करोड़ रुपए के मुकाबले पिछले क्वार्टर के मुकाबले 957 करोड़ रुपए रहा, और शेयर जो है वो 0.70% की बढ़त के साथ बंद हुआ। तो या तो यार कमाल ही हो गया ग्रेफाइट इंडिया का, क्योंकि तो बहुत लंबी छलांग मार दी इन्होंने, कहां 30 करोड़ और कहां 1000 करोड़। तो देखते अब ये ग्रेफाइट इंडिया आगे आने वाले दिनों में कैसा परफॉर्म करता है इसका शेयर, और प्राइस में देखते हैं भैया क्या मूवमेंट देखने को मिलता है, क्योंकि जरूर यह कुछ ना कुछ वॉलेटाइल तो करेगा ही करेगा शेयर को इस न्यूज के। अब दोस्तों देख लेते हैं निफ्टी का टेक्निकल व्यू जो हम हर न्यूज पे देखते हैं। तो ये है दोस्तों हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अच्छा दोस्तों ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है ये बताए गए थे आपको शुक्रवार को,
है ना। तो शुक्रवार को इसलिए बताए गए थे ताकि हम आज का प्रिडिक्शन कर सके जो आज मार्केट क्लोज हुई यानी मंडे को। तो आज जो दोस्तों क्लोज हुई, जैसा बताया गया था कि अगर इसके ऊपर मार्केट जाता है तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, तो मार्केट बिल्कुल उसके ऊपर ही जाकर खुला, तो खरीदने की अपॉर्चुनिटी तो मिली नहीं, लेकिन मार्केट ऊपर जाकर ही बंद हुआ और मार्केट ने अब तक का सबसे ज्यादा हाई पॉइंट को छुआ और क्लोजिंग भी बिल्कुल हाई पॉइंट पे जाकर के दी है। तो अगर आप देखें तो ये एक सपोर्ट लेवल अच्छा बना जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। अब बड़ा ही सिंपल है कॉन्सेप्ट, अब इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है वो ये बन गया, यानी जो आप जो कल का जो प्रिडिक्शन है वो कुछ इस तरीके से होगा कि मार्केट अगर 11,406 को क्रॉस करके ऊपर जाती है, क्लोजिंग देती है, तो ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी, यानी इस लाइन से ऊपर जाती है तो ऊपर जाएगी, और अगर इस लाइन से नीचे जाती है जो है 11,370 का लेवल, इसको तोड़ के नीचे जाती है तो नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो ये दो हमारी लक्ष्मण रेखाएं हैं जो हम कल वॉच कर सकते हैं एज ए डेमो ट्रेडिंग, कल यानी ट्यूसडे को, और ट्यूसडे को क्या है 7 अगस्त 2018 को, आप ये वॉच करिए। अब ये जो है ये ब्लैंक है, अब देखते भैया कल ये कैसा फील होता है, और जो फील होगा उससे ही भाई पता लगेगा कि क्या मूवमेंट रहती है। बाकी ये बहुत ही अच्छा काम करेंगे, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की लाइन है, ये जो दोनों लाइन है, और इसको मार्केट को ऊपर तोड़ने भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, नीचे जाने में भी क्रिएट होगी। बाकी दोस्तों कल पता लगेगा कैसा व्यू रहता है टेक्निकल। यही था दोस्तों आज का वीडियो का कॉन्सेप्ट, कैसा लगा जरूर बताइएगा। किसी वीडियो का सजेशन हो तो वो बता दीजिए, हम जल्दी से जल्दी आपको वीडियो आपके टॉपिक पे लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।